लाइट ना अच्छे खून पिए आ कहीं ना देरी लास्ट क्यारी रह रही या भर के चले जाते अपने घर को खूब नहीं पी लिए कतई। भैया मुझे माफ कर दो भैया। यू कहा फता ली अब के नहीं ये तो रघुबीरिया नमक भैया है और गुंडे भी ले रखे हैं। बेटा श्यामलाल भाग अन्नी बहुत तोड़ेंगे। नई उम्र के लौंडा तो भागन भी ना देंगे यहीं बैठो रहे देखी जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती हूँ लोग को जाकर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। अबे श्यामलाल कहाँ चल रहे हो? हमारे यहाँ तो भैया वही चल रहा है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वाह बुड्ढे मैं नून पूछ रहा गौम समाज में तो तेना मालिक बदल नौमी करवा रखी है यू कहा चल रहा है? ए भाई बुद्धन ऐसा का मुंह पे काई को मुंह रुके है जो कह रहे हो कह रहे हो। श्यामलाल गलत थोड़ी है पर श्यामलाल तो भैया बेबस है मजबूर है और गरीबन को सहायक है। ए बुड्ढे मार भी पी लाचार है बेबस है गरीब है का सहायता कर दी तने? बेटा ज्यादा रईस मत ना बने समझ गो ना सारे चमोसे चमोसे उपड़ा यहाँ तक गए हमारे घर ते आधी रात भी आ जाइये श्यामलाल के धोरे काई चीज को मने ना। श्यामलाल तो भैया हम कहे कहा जब हमारा सिक्का खोटो या को तो दो चार दिन में ले जाके घर का लेस काटेंगे तो मैं दम हो तो रोक लियो। नहीं भैया आपकी बार छोड़ दो मुझको आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भैया। श्यामू श्यामू चलो मुझको श्यामू श्यामू। श्यामलाल आज पता पड़ी तू तो सच में बेबस और लाचार है कुछ नहीं कर पाया साली डॉगी जिंदगी। आदमी भैया मानने वाली बात है बहुत दिलेरी का काम है यार किसी दूसरे मुल्क में जाकर तुम हाथापाई कर रहे हो बहुत दिलेरी का काम है। खालिद बात तो सही कह रहा हो भाई पर भैया मसला वही वाला इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर डालता अब 2 साल पहले की ना पता तुझे मेरी और रुखसाना की ना बनी होगा झगड़ा अब शाहरुख को लेकर पहुंच गए ससुराल बतला भैया अच्छा करा उसने अब तू जाने मुझे तो ना रहेगा मुझसे मैं ससुराल पहुंच गया भैया ससुरालियों ने मुझे मारा मैंने भी मारा पर माना ना मैं शाहरुख को लेकर ही आया। खाली औलाद को सब कुछ करना पड़े बिल्कुल वाजिब बात कही है तूने आदमी पर भैया खुदा ने जो ना इस रिश्ते को बनाया है इतना खूबसूरत है ना औलाद और बाप का रिश्ता इतना खूबसूरत है बाप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर जाएगा और औलाद अपने बाप के लिए कुछ भी कर जाती है। मैं क्यों सिकल को बना रहा जब मेरे अब्बा से ना बन रही मेरी तो बतला मैं क्या करूं ना के लिए ले चाचा श्यामलाल का पोता तो किताबों को खोल कर बैठा दीख है आज चाचक पता करते हैं कहां चाचा। बेटा मन चाचा को हाँ चाचा बाबर तो खेत पे गए पानी चल रहा ना खेत में तो पानी देख रहे ले भी देख रहा आदमी कितना बुरा जमाना चल रहा इसका बूढ़ा बाबा खेतों में पानी कर रहा और ये ना बैठ कर मुकदम किताब के पर्चे पलट रहा। चाचा यहाँ बैठ कर ज्यादा बड़े मुकदम मत बनो सारे मोहाले में खुद करके आया हूँ बाबा बस बिजली चला कर देख रहे ही तो कर रहे मेरा टेस्ट है कर ले स्कूल में पढ़ू ना मैं खाली थोड़ा बोलेगा बिना सोचे समझे कुछ भी कान लगे जाहिल बहुत बोल रहा है हाथ की जीभ को निकाल के है तुझे पता खाली तुमने इस बच्चे को अपनी गोद खिलाया मुझसे ज्यादा जानता है तू इसको बच्चा मेरा ये अमन बेटे पढ़ लिख के क्या बनना चाह रहे हो? चाचा मैं पढ़ लिख के दूल्हा बनना चाहूंगा। मैं देख रहा आदमी देख रहा कितना लाजवाब क्या रहता वो लेंस ऑफ रेगुलेटर है इसका खाली वो सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ है
हाँ वही 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 जो तू कह रहा सेंस ऑफ रूमर। अमन बेटे आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दिल में बहुत दिन से बात चल रही, आज बतलाऊंगा। लेकिन तुम्हें ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरती डाली है तुम्हारे अंदर, इतनी शिद्दत से तुम्हारे हुस्न को नवाजा, मेरे कहने से तुम हीरोगिरी करो। एक दफा मेरे कहने से, अपने चाचा कहने से मुंबई कल जाओ। देखिए देखो चाचा फिल्म, कौन सी फिल्म देख लिया आज? देख रहा बे आदमी, कितना बारीक दिमाग लिए पड़ा है लौंडा। हाँ बेटे आज जरा ही कल गए ग्रेटर नभेडे में, गदर देख रहा है सनी देवल वाली। यो, 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 यो। चाचा वाह फिल्म है तो मैं भी देखा था, पर मेरे बाबा ने पैसा ना दिए। अरे बेटा अमन, हमने तो गांव के प्रधान पर हाथ धर लिया, वो दिखा लाया हमें तो। बेटे मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रख तू, है ना आदमी। और हम चल ले, कभी हम तेरे दूल्हे बनने का रास्ते में परेशानी का सबब बन जाए। आजा खेत पे ही चल ले, चाचा को मिलते हैं। ठीक है सर। पढ़ बेटा तू पढ़। भाई लाइट तो आना रही है चाचा, है कहाँ? ले आदमी, चाचा तो वो आराम फरमा रहा, आ जाए कलिया। इकलिया आदमी इकलिया, इत्मीनान से इकल के बैठ भई, फिसल के अंदर मत गिर जाइयो, कभी हौदी भी गिरे। चाचा कैसे आराम कर रहे हो? क्यों तन डॉक ला ले हो? ना जाओ यहाँ से। चाचा इतनी बेरुखी, इतनी बेरुखी, अब समझ रहा हूँ मैं सारी बात, किसी और का गुस्सा हम पे ही कर ला। चाचा बतलाओ क्या मसला, ड्रामे मत करो ना। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, बेटा भैया गर्दिश में घेर लेते कुत्ते भी शेर को। आदमी मुझे लग रहा मुझे चाचा का कोई शिकार करगा। अम्मा खाली या को तो दो चार दिन में ले जाके घर का लेस काटेंगे, तो मैं दम हो तो रोक लियो। ए चाचा तुम्हारे संग तो फिल्मों की कहानी हो गई, मैं फिल्मों में ना दिखलाते हीरो से हीरोइन को उसके घर वाले छुटा कर ले जाते हैं और ले जाकर बंद कर देते हैं कमरे में। पर भैया रे मानना पड़ेगा, हीरो भी हीरो ही होता, छुटा के लाता कैसे भी करके। अब चाचा अगर तुम असल जिंदगी में अपने आप को हीरो बनते देखना तो चाची रघुबीरी को छुटा के लाओ कैसे भी। अरे भैया वो फिल्मन में हो, वे असल जिंदगी में ना होता, यहाँ उम्र धरी है हीरो बनने की। अब यो, 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 यो। देख रहा तू आदमी, कर रहा चाचा बावली बातों को ना, उम्र की बात कर रहे हो चाचा, मोहब्बत में उम्र देखी जाओ, मोहब्बत करने के लिए उम्र ना देखी तुमने, अब चाची की जान बचाने के लिए उम्र देख रहे। चाचा सनी देवल को जानो ना जानो, अपनी मोहब्बत के लिए दूसरे मुल्क में जाकर नले उखाड़ डाली। अरे यार घास तो उपड़े ना, नल तो जब उपड़ेगी। चाचा क्या बात कर रहे हो यार तुम, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना, नल तो नल समरसेबल भी उखड़ जाएगा। भाई बात तो ठीक कह रहा तू। भाई तुम दोनों मेरी गैल चलो, रघुबीर ये छुड़वा के लाते हैं। चाचा मेरा मिजान ना दूसरे गांव में जाकर सिर फुड़वाने का, मोहब्बत तुमने करी है तुम जाओ। चाचा या कहो मैं तो तुम अपना अपन जाम दे, वाजिब बात कही आदमी ने। चल भाई चल, बेहतरीन आ जाए गलिया। रे जाओ देख लिए तुम जैसे दोस्त, नाम चारे के दोस्त तुम तो बस। चाचा ये क्या बावली बात कर रहे हो तुम? खाली चल क्यों बहस कर रहा? अब रुक जा जरा तू, नहीं बकवास कर रहा फालतू की। चाचा एक बात बतलाओ तुम मुझे, जब तुम चाची रघुबीरी के चक्कर में पड़े, माने तुम मेरी एक दफा भी बात? कितनी दफा मना करी मैंने तुमसे, है?
अरे होगी गलती, पड़ गए वाटे मकल पे पत्थर। अब चाचा अकल पे पत्थर पड़ गया तो भैया झेलो, हमसे क्यों कह रहे हो फिर? अरे जाओ डरपोक हो जाओ, तुम क्या सोच रहे तुम सोमलाल को साथ न दोगे तो सोमलाल रघुवीर बचाने को वह गोम में न जाएगा? अरे सोमलाल जाएगा और उनकी नल तो नल उनके समर सेवल है भी उपाड़ के लाएगा। चल बे चल आदमी, यही तो मैं चाह रहा हूँ, चाचा को अपनी गैर कानूनी मोहब्बत का हर्जाना भरना पड़े। अरे खालिद बुड्ढा अकेला पड़ जाएगा यार। मैं जाहिले मस्ती मुकुम्ब लम्जिस बहरे हिजरा हमारा दिल है या बेचारा तुम्हारा दिल है ना? आया कुछ भी समझ में? ना आया। मैं तो तुझ में जितना दिमाग उतना ही लगा कर तू चल। गॉड सी देख लेगी तो टोका टाकी मचाएगी फिर। बाबा किसके झोला बांध रहा अब के? बाबा तुम कहाँ चल दिया झोला बांध के? मैं तो तेरी बात देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार बाबा के दर्शन करने। बाबा के दर्शन करने? ए बाबा अचानक ऐसे कैसे जाल लगे तुम, कल तक तो तुमने कुछ भी ना बताई। कल तक तो बेटा मो भी ना बताई, रात बाबा सपने में आए यूं कह लगे सोमलाल आज हम मिल जाम होते, कहा घर में ही पड़ो रहे वे। ए तो बाबा जब तुम जा ही रहे हो तो अकेले क्यों जा रहे हो? बढ़िया मौका, बाबा हाँ बुलाई रहे, माँ जी अभी अपनी गैल ले जाओ। माँ जी, ओ माँ जी बाहर कौ तन? हाँ बेटा अमन। माँ जी मैं कह रहा हूँ बाबा हरिद्वार जा रहे हैं तो तुम भी चली जाओ, बढ़िया मौका, बाबा हम बुलाई रहे, घूमिए ही तुम भी, कहा करोगी हो? बेटा मैं तो कह रही हूँ यासु पर यू मोल लेके ही ना जा रहा हूँ। अरे बाबा यू कहा तरीका था रो, जब तुम जा रहे हो तो माँ जी क्यों नहीं ले जा रहे? अरे समझे करे आपके मिजान ना है, आगे कभी ले जाऊंगा तेरी माँ जी। मिजान गुगा मैं तो उसको कुछ मांग रही हूँ, वो पर तो हैंगे किराए भाड़े को पैसा, पर तुम वो लेके तो चल। बाय फिर कोई दिक्कत ना बाबा, ना कोई दिक्कत ना, माँ जी हुआ तुम तैयार ले जाएंगे बाबा, हुआ हुआ है, बढ़िया बात है, बाबा हाँ बुला रहे, दोनों जोड़ आंसू दर्शन करियो ना। ओ ढोर रे ज्यादा होशियार मत ना पड़े, बाबा नहीं अकेले बुलाया हूँ मैं। ए रहन दो बाबा रहन दो, मो मत सिखाओ कानून, मो सारी पता थारी, माजिया ले जाने के मारे कैसे झूठ बोल रहे हो? भेज दो भैया भेज भेज, जब ना माने तो भेजो, मैं तो यहाँ मारे कह रहा हूँ बाबा न्यू कह रहे अकेले आइयो, तेरे पोते को ब्याह कैसे ना हो रहा अकेले में बताऊंगा, पर तुम का मानो भेजो। चलो जी हो गई मैं तैयार। माँ माँ तू मत जा उत्ते, अभी तो तू कह रहा कि चली जा माँ। माँ जी मैंने महसूस करके देखी जब तुम दोनों चले जाओगे तो यहाँ से तो मेरे जीने लगने का। अरे मेरा बेटा सही कह रहा तू, तेरा जीना लगने को, तू रहने दे आगे को, फिर चलियो कभी। मैं माँ जी प्यार कर रहा हूँ भैंसन का। आदमी आ जा बैठ भैया बैठ। अरे खाली था कहा जा मैं, तेरी बात तो सच लिखड़ी, चाचा सोमलाल चाची रघुवीर लेने चलोगो? बे भैया आदमी किसी ने एक बात कही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है ना वो ऐसे ही उल्टे काम करता, अपना दिमाग ना लगाता वो फिर दिल की सुनता और दिल कर देता बर्बाद। चाचा सोमलाल देख लियो तू खुद तो बर्बाद हो गई, करेगा अपने पोते को बर्बाद, क्योंकि मानू ना मैं खालिद हूँ, चाचा सोमलाल वा फंसेगा जरूर और पोते को खालिद भेजेगा जरूर। पोते तो तू भेज देगा, पर तेरा तजुर्बा क्या कहता हो, चाची रघुवीर आ पाएगा ना?
भैया तोबा करो आदमी, क्या बात कर रहे हो यार। आज तक चील के घोंसले में से कोई मांस लाया तो चाचा समलाल चाची रघुबीरी खुल जाएगा। जानता ना तू रघुबीरी के पियरिया को? मैं जानू भैया, एक दो दफा मेरा पड़गा चक्कर भैंस खिलियोगा मैं। बहुत चेता उन्होंने इतने जा हिले। चाचा श्यामलाल जो समंदार बनता है ना अपने दिमाग में, अब की दफा ही गल जाएगी सारी समंदारी। भाई मुझे 85 बार छतवाया मेरे ससुरालियों से बुला बुला करना, अब पता लग जाएगी। सारे बदले लेगा खालिद, बस चुन चुन के बदला लेगा तेरा खालिद। तू ले तू गुड़गुड़ी बजा भैया। स्कीम लागू कर दिया, देख तू मोहर लगनी बाकी है। पहुंचाऊंगा इसके पोते को भी, जो होशियार बनने हैं ना दादा पोते दिमाग के लेके, ज्यादा पता लग लिएगा। सही कह रहा खालिद, होना चाहिए। भाई नजाकत के साथ मारपीट होएगी नौके समय, नजाकत भी होगी और मारपीट भी, मतलब पिटेंगे भी और कहीं कहने भी ना, मुंह दिखाने लायक ना रहने के देखता रहता। बहुत गलत करो मेरे खालिद के। तमाकू खत्म हो रहा, मैंने ऐसे ही डाल दिया कोयला। मैं मनी तो भिला रहा, जब तमाकू है ही ना तो क्या कर ला, मुझे भी तो देख दो यार, तू तो अपने आप खींच रहा पूरे कोयले को। अच्छा मैंने एक बात देखी भैया, जब तमाकू ना रहता खाली कोयला रहता धुआं नहीं खलता। दिल बहल जा जरा बहुत, और क्या। मैं तो यही सलाह दूंगा, बिना तमाकू के कोयले को चलाओ ना भैया, दिल भी रह जाता समाज में नाम भी रह जाता, खालिद के ना गुड़गुड़ी बजाई। बाबा मुंह लगा अंधेल वाला बुड्ढा लियो। आयो आप अपने पावन पे गयो अधाग हो ना। यू का तरीका भाई मुद्दन, ए मैं वा तरीका तो ना है, जा तरीका तू समझ रहा हूं। मैं तो होकर निकलो जा रहा हूं, मैंने सोची मुद्दन के हाल चाल ही पूछ लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बैठ बैठ चले, आओ बैठो। भीतर थगो मेरे यार, अब अपने यार बुद्धन धोरे आ गऊ तो 2-4 दिन रुक के ही जाऊंगा। और सुनाओ घर में सब ठीक ठाक है? और जो सब बढ़िया, बीरबानी बीरबानी सब बढ़िया, और सब ठीक है। कोई ऐसा होवे जो ठीक ठाक न होवे, काई की याद बात में होवे? बस कोई नो बुद्धे, सब ठीक है। बाला बंद होवे तू? प्यासी लग रही है। बाला पहुंच लिया? ना 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 ना, बाल करने क्यों परेशान करो, अभी तो मेरे चल रहे हैं हाथ पाँव। बोनू बताओ नल किंग है? पूरी बाबा नल। बेटा समर सेवल भी लग रहा है तुम्हारे? हाँ बाबा नल के धोरी लग रहा है। You're
खड़ी न रहे कतई भी मशक भी न रहे। बाबू बुड्ढो का कर रहा है वाह मोगला का ही समझ से बोलो खाड़ का पानी पी तो दिखे वाह सोमवार कैसे समझ से बोलो खाड़ के मुंह में को आज कहे को मैं तो यज के आते आते हाथ पांव मकड़ गए थोड़े से उन्होंने थोड़ा सा खोल रहा है यूं करके। कतई भी ना मसकरा कुछ भी जारे जा, चारे क्या? ना 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 ना, अजी चाय को कहा मतलब चाय ना पीऊं मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ घर में ही तो बैठा हूँ। मोला के भैया बुद्धन मकान में पेड़ा ईट लगा दी दिखे दीमक की सेवा आ रही है कुछ वाह बुड्ढे का दिमाग चल को दिखे दिमाग लकड़ी में लगे दीवार में लगे। अरे बुड्ढा तू भी जो ना ढंग से सुन दीमक की आवाज आ रही है चर चर कर रही है देख यो, 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 यो। रुक जा मैं देखूं कौन है कहाँ है देख उड़ क्यों रघुबीरी 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 मोला गए बुड्ढा पागल होकर दिखे भीड़ में भी दीमक बता रहा हूँ। हाँ मोला गए ये लग भी ये ढूंढ रहा दिखे चलियो शामू बचा लो मुझे जब ते आई हूँ या कमरे बांध रखी हूँ। घबरा मत ना रघु तेरा शामू तो बचा लेगा। ओ बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत ले जाओ या कर दो मुझे कोठे का बंद। शामू शामू बचा लो मुझे शामू मेरी शामू रघुबीरी शामू बचा लो मुझे शामू रघुबीरी 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 बेटा पलक सु कह दियो एक टाइम रोटी बेक रह गया
ए बाबा रोटी क्यों दो मरन तो भूखो बापू बेकूफ पन्नो मरगो भूखो तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी जब रघुवीर को रोटी लाएगी तो रोटी आपको दे जाएगी सूखी। ठीक है बाबा। हेलो मैं कौन है इतनी रात में फोन कर रहा? अरे खालिद मैं हूँ श्यामलाल। चाचा तुम कहाँ से फोन कर रहे हो इतनी रात को? अरे मैं रघुबीरी के पीहर में फंस गया यार, कैद कर रखा हूँ इन्हें। ये तो एक लालिए जामो पर तरस आ गया यार, जो फोन पे बात करवा दी खालिद वो बचा ले। देखिए है तो चाचा जो लड़िया तुम्हें फोन कराने में मदद कर रही है उसी की मदद से भाग जाओ ना यहाँ से। अरे सारे मुस्टंडा बाहर पहरो दे रहे हैं, सारे कुत्ते खोल रखे हैं, वो फड़वावे कुत्ते इन पे। बतो जाजा मतलब मैं क्या कर सकूं, इतना टाइम हो रहा रात का, दिन निकलन दो सुबह मैं कुछ करता हूँ। ठीक है दोस्त। बुड्ढा दिमाग खराब कर रहा, खुद तो सोता है जा, मुझे भी ना सुन दे रहा। ए अल्लाह तेरी रहमत। ले लाली सूखे घेसड़े तो देगी है, एक प्यास न लेकर आ सके। एक बेरे लिकट जाऊं बस होते हैं, या रघुबीरी के चक्कर में दोबारा नहीं फंसूंगा, मुड़के भी नहीं देखूंगा। मेरे सोचा मरो या जियो। पर चाचा बाबा तो घर नू कह के गए कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। वे तो बेकूफ और क्या बतला के जाते, चाची लुटो चली जान देती रघुबीरी को बचाने के लिए। तो चाचा मैं एक काम करूँ, गांव के 10-20 मौजिज आदमी ने इकट्ठे कर लूँ और पंचायत लेकर चल ले। खालिद तू यहाँ वाह कौन सुना, गदर टू वाली है। वे भैया लानत है तुम पे तो मन हरो, एक कानो देखा राखो सुना मसला बतला रहा हूँ तुझे। पंजाब का मसला भैया, एक लौंडे का अबू दूसरे मुल्क में चला गया, अब दूसरे मुल्क में फंस गया, बंदी बना लिया उसको। पंजाब का लौंडा था भैया, हार तो मानता ही ना, अपने अबू को बचाने के लिए दूसरे मुल्क ही पहुंच गया। पर आदमी यार दिलेर था लड़का, पर कलेजा था उसमें, इन कामों के लिए कलेजा चाहिए। बेटे तुझमें नहीं होगा ना इतना बड़ा कलेजा, तो ना होगा। है चाचा मेरा इतना बड़ा कलेजा काहे को होता, मेरा तो इतना सा कलेजा। अरे यू ऐसा ना कह रहा, इन कॉमन में हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं है इतनी हिम्मत अपने बाबा बचाने की? हाँ ऐसा तो चाचा मुँह में हिम्मत क्यों ना, खूब हिम्मत है, बचा लाऊंगा अपने बाबा अकेले ही। मैं देख ले आदमी देख ले, कहना रहा मैं तुझसे लौंडा बहुत दिलेर है, तू ही कर रहा ना हो ना पाएगा। 50 रुपए दे तू काल के, दे फटाफट दे 50 रुपए। ले 50 रुपए। ये 50 रुपए कहे के हैं चाचा? बे भैया मदद है हमारी तरफ से, मेरे और आदमी की तरफ से मदद है। अब तेरा बाबा तो ना है ना, तो फट जा हमारे तेरी मदद करना, किराए भाड़े में काम आऊंगा तुझे रख। चल बे चल आदमी चल ले अब घर के लिए, चाचा को ले आएगा कल तक, तब आके बैठेंगे चाचा के संग, है ना। तो ना बहुत दिलेर है भैया, सही पासा फेंका दे। अमन बाबा ऐसे नहीं छोड़ सकते अकेला, बाबा लेके आ। किसी लागू पिया लाल सूट में, जालीदार ये लाई काल बूट में, हीरे राम की जुबलों को न्या झूठ में तू घणी। अरे बैठो अमन, तू कहाँ जा रहा हो या बैग बांध के? माँ जी बाबा हरिद्वार के मेले में खो गए। खो गए?
कैसे खो गए बेटा? माजी बाबा जो है ना वह गोल गोल सी ना घूमती रहे चकलिया सी वहां में बैठ गए। अब जैसे जैसे वो गोल गोल घूमती रही बाबा का दिमाग भी वह हिसाब से घूमता रहे। फिर जब बाबा वहां में से नीचे उतरे होंगे ना तो बाबा को पता ना दिमाग किंगे और को घूम गो होगा तो वे इंगे को ना आके किंगे और को चले गए। अरे बेटा बेटा वो ठीक तो है ना? हाँ माँ जी वैसे तो ठीक है बाबा, तुम घबराओ मत मैं कल तक ले आऊंगा। बेटा बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा, पता ना मेरे सामू किस हालत में होएगा। ए माँ तू घबरा मत, मैं तेरे हस्बैंड एकदम ठीक ठाक तेरे सामने लाऊंगा। बाकी मुझे आशीर्वाद दे माँ, मुझे देर हो रही है। माँ जी पाम छुई छुआ पाम छुई छुआ बेटा पाम छुई छुआ। माँ जी मैं नारफूस को देख लेंगे टाइम सु देर सवेर भी हो सके मो है ना। ठीक है बेटा तू जा चिंता मत करे बिल्कुल भी तू। ओके माँ बाय। ठीक है बेटा। चैन को भी अभी उतरना था, इतनी धूप पड़ रही है। बहुत दूर है मारक वीरर को घर तो, थक गो मैं तो चलते चलते। और यू लौंडिया कौन है? मुँह लगा कि साइकिल खराब होगी दिखे, यहाँ की जाके अगर मैं मदद कर दूंगा ना तो यू मारक वीर घर को पता बता देगी। मुँह गौम तो उनको धो रही आ लियो। थोड़ा बंठन का चलूं, फर्स्ट एक्सप्रेस वे इज द लास्ट एक्सप्रेस वे रह वे। राम राम जी। राम राम जी। मो लगे जी आपकी जी साइकिल की जी शायद चैन जी उतर गई, तुम कहो तो जी मैं चढ़ा दूं। चढ़ा दो यार। चढ़ेगी अभी चढ़ जाएगी। पता ना जी कहा हो रो, आगे की चढ़ जा तो पीछे की उतर जा, पीछे की चढ़ जा तो आगे की उतर जा। पर तुम घबराई मत ना, मैं चढ़ा कर मानूंगा। मैंने बहुत चैन चढ़ाई है जी। फिर का उतर की पीछे की। चढ़ गई चढ़ गई जी चढ़ गई। लो पकड़ो जी। हाथ धोया हूँ जी मैं तन्नक जी। अब तो जॉक्सी या एक साइकिल पे एक गैल बैठ कर चला जाऊंगा। कैसा बढ़िया मौका मिल गया। वो मुँह अभी धो लूंगा, मुँह भी गंदा सा हो रहा है। राह में चलते चलते मुँह सही सिखाई मेरे बाबा ने, राहगीरन की मदद करो फिर राहगीर तुम्हारी मदद करें। अब ठीक है, अब लग रहा हूँ मैं बहुत मलूक। यू तो चली गई साइकिल की चैन चढ़वा ली, झूठ लो सी नू बिना कहगी ले थैंक यू। बाबा गलत कह रहे हैं, राहगीरन की मदद करनी ना चाहिए। हाँ करूं मेरी किस्मत में पैदल ही जाना हो। चलो कर हम बंद हो गया कि आज की खुराक पूरी। अरे रुक जा रुक जा, आफत ही लग रही है।
बुद्धा नारो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। या गौम समाज के हिसाब से मैं थारो जीजू लगू। जीजू ने गले लगाए करे, लठ बजाए करे, अरे ढोर जीजू ने घी बुरा कर रोटी खवाए करे, और तुम सूखे टिकड़ न चबवा रहे हो मुंह पे। जीजू ने जो है ना मखमल का गद्दा बिछा के बेड पर लुटा के पंखा चलाए करे, और तुम वो उसके कोठे पर लुटा रहे हो। अभी नहीं आया कल मेहमान आगो बंद कोठे में बंद करो, अलावा खेप के चल रहे। बाबा राम राम। राम राम। और ठीक हो जी बाबा जी? जी आप? हम तो ठीक हैं, पर तू ठीक न लग रहा। वे फावड़ा धड़क में कट जाइए यार। ना ना बाबा ना, बाबा जी ना। कौन है कि बड़ा हमारे घर में भाई? मैं जी जो ना जी, मैं इनकी गल पढ़ू तो मैं कॉफी लेने आया इनकी। मेरा अंक गणित का होमवर्क पूरा ना हो, मैं घने दिन से स्कूल ना गया तो इनके धोरा आया कॉफी लेने। अरे लाली तेरे गल पढ़ाया यू जाना है तू यहाँ? हाँ बाबा मैं इसे जानू, यू मेरे गल स्कूल में पढ़े। देखो मैंने बता रहा आज। अच्छा या गल पढ़े तक नाम बताइए। नाम लाली। कौन कह रहा है कि नाम लाली है? बाबा नो कह रहे अभी। बाबा तो प्यार सु कह रहे। तो मैं भी प्यार सु लाली कह करूँ। ओक 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 का मतलब खाल खाल है खाल। बा मो लगे को भैरू पिया या भूस के कोठे में घेरो। ना ना मैं डर गया, मैं डर गया बात कर रहा हूँ। आगे हाथ पलक पलक है आपका नाम बाबा है ना? बाबा जी पाम मैं ऊपर आ जाऊं जी। बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? हाँ जांच का तुम्हारी साइकिल खराब हुई ना जी, जब मैं तारी साइकिल की चैन चढ़ाई तो वहाँ मोए 50 रुपये गिरे हुए मिले। मैंने सोची थारे गिर गए होंगे या मारे तुम्हें देने को आया हो। लो अच्छा ये पैसे, लेकिन ये तो मेरे नहीं है। तुम्हारे ना? चलो कोई बात ना, किसी और के गिर गए होंगे, जब वो मिल जाएगा ना जिसके गिरे मैं वाकई दे दूंगा। यार तुम्हारी इस ईमानदारी ने ना मेरा दिल जीत लिया है। सच में विद्या रानी कसम, सही बताओ।
हाँ यार, तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद आई। चलो अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहाँ जा रहे थे? मेरा नाम जी अमन है और मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पर मैं टाइम पे ना पहुँच पाया तो मेरी रेल निकट गई, जाकर मैंने टिकट लियो। फिर मैंने सोची ला अमन पैदल ही चलो चल, फिर रास्ते में तुम मिली, तुम मुँह अच्छी लगी, फिर मुँह वे पैसा मिले, फिर मैंने सोची जब लांडी अच्छी लगी तो चलवा के पैसा न दिया हूँ। ये हमारा आगो में तो। वैसे अमन, हरिद्वार तो बहुत दूर है, आप पैदल कैसे जाओगे? दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लेते। दूसरी ट्रेन को इंतजार या मार न करो, मन की जब पहली वाली नुई निकट गई तो दूसरी का भरोसा, वो भी रुकती न रुकती। मतलब? मतलब जी जैसे ना जी, एक महीने पहले मेरा रिश्ता हो गया, अब जैसे फिर देखना दिखाना रह कर ना जी, तो लौंडिया जैसे आई, हम गए देखने को, तो लौंडिया ने फेल कर दियो। वो जी थोड़ी वैसी जैसे मॉडर्न सी लौंडिया ना रहे, कटी पिटी जींस पहरे कर रही, नू कह लगी तुम तो गांव के गवार हो, मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं पाऊंगी। बैस जी वाई दिन से ब्याह पे सो विश्वास उठ गो, मन की जब यही पसंद ना आए तो किसी और कह ही आएंगे। मतलब अब हमें पता हमारे तो खोटा बंधने तय हैं। आप क्यों रोल लगी पलक जी? यार मेरी कहानी भी ना तुम्हारी तरह ही है, सब कुछ तय हो गया था, लास्ट में लड़के ने गाड़ी की रिमांड कर दी और सब ऐसे कैसे रह गया। बताओ शर्म ना आवे ससुरे ने, भूखे मर रहे हैं। यह मामले में पलक जी हमारा परिवार बढ़िया, मेरे बाबा पता कहाँ गए हैं? नू कह बेटा जिसने अपनी बेटी दे दी सब दे दियो, एक बाप को आगी बेटी सबसे ज्यादा लाडली और सबसे बड़ी दौलत हो वे है, जाने बेटी दे दी सब दौलत दे दी। मैंने तो सोचे बैठा हूँ जी, मैं तो अपने ब्याह में दोनों दहेज ले आऊं जी, एक जोड़ी लत्तान में ले आएंगे हम तो लांडिया। यार कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की। बेटा मन में लड्डू फूटा। वैसे जी अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं जी, आपको कैसी सोच का लड़का चाहिए जी? तुम्हारी सोच जैसा। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। पलक नीचे चल, तो माँ बुला रही है। अमन तुम बैठो, मैं तुम्हें आकर देती हूँ किताब। अरे तेने कॉपी किताब ली ना? अभी ना, अभी नू कह रही है आके दे दंगी तो जब करेंगे पूरा होमवर्क। खाले तो तुम बहुत सच सच बता, यू बुड्ढा चा कह रहा है? बतलाई जाएगी चाची, मुझसे ना बतलाई जाएगी, मैं आदमी भैया, तू बतला चाची को सारी सच्चाई। चाची मैंने रियान है, चाचा सोमलाल अरमन। बहुत समझाया चाची, बहुत समझाया, पर चाचा एक दफा भी ना माना। मानता कहां से चाचा, रघुबीरी नाम की जनानी का भूत सवार है ना चाचा पे, तो बर्बाद होगी चाची तुम्हारी जिंदगी, बर्बाद होगी, कुछ ना बच रहा है भैया, बर्बाद चाची की जिंदगी। तो खालिद यू बुड्ढा तो मुझसे झूठ बोल के गया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और पहुंच बार रघुवीरी डाहन के घर गो, पर मेरे समझ में यू ना आ रही, यू मेरा पोतो अमन क्यों गया वाले वाले, वो डहाने वाले क्यों गया यू अमन? चाची धोखे से बुला लिया उस ना समझ बेचारे लौंडे को, तो चाचा श्यामलाल नाम के उस आशिक मिजाज बुड्ढे ने, उस बेचारे को तो ये भी पता ना तेरे संग हो क्या रहा। हे भगवान, यू का सत्यानाश करो, वो डान रघुवीरी ने मेरे घर को, भगवान अब तो तुम उठा ले। देख रहा है आदमी कर रही है चाची बाबली बातों को ना, है चाची तुम्हें क्यों उठा ले, भगवान है रास्ता साफ कर दो तुम चाची रघुवीरी का, तुम्हें उठाते तो फिर कुछ भी ना आया, फिर क्या रह रहा। अरे खालिद तू ही बता मैं कहाँ करूँ। चाची खालिद तो आज से ना बतला रहा, तुम्हें बहुत दिन से बतला रहा, पर तुम खालिद की मानती कहा, अगर खालिद की मानती ना आज एक दिन ना देखना पड़ता, और जाओ तुम अब भी मानती हो खालिद की तो दिल पे पत्थर रखो एक दफा, दे डालो तलाक। ओ दुष्ट, ओ लंकारी, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहा हो? जब चाची तलाक दे देगी, जब रघुवीर का अस्तित्व साफ ना होगा। बहो जाहिल, इस एक हाथ के जीव को निकाल कर कुछ भी मत बक देकर सिकल में से, हैं?
देख रही चाची कितनी जेब चला रहा, मैं किसका घर बर्बाद कर दिया आज तक खालिद ने? खालिद चाहता पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला अमन शांति के साथ जिए। खालिद जोड़ने का काम करता, तोड़ने का ना करता। मैं तो चाहता हूँ चाची खुश रहे, आबाद रहे। तू चाह रहा चाची परेशान रहे, टेंशन में चाची की सर की नस फट जाए। तू चाचा श्यामलाल से मिला बैठा, मुझे पता चाची मिला हुआ चाचा के संग मार रहा है ना हराम के माल को। जीव चटोरा पड़ गई है तेरी। मैं जाहिल एक बात बतला, जब चाची कहेगी मैं तुझे तलाक दूंगी, दे देगा चाचा तलाक? समाज की ना हाउस है, उम्र देख रहा कितनी हो रही, नाक ना कटेगी तलाक देने से इस उम्र में? मैं जाहिल जब चाची कहेगी तुझे तलाक दूंगी, चाचा मिन्नत करेगा, माफी मांगेगा कान पकड़ के चाची से, पर फिर क्या, चाची अपनी शर्त रख देगी सामने, फिर चाची शर्त मनवाएगी ना चाची? फिर जो चाची कहेगी चाचा वो करेगा। और चाची तुम शर्त में वो बात मन नहीं हो जो तुम मनाना चाह रही हो। चाची कहेगी ना आज के तफरक बीरी की तरफ कुछ देखेगा ना, बोलेगा ना जाहिल हमें गलत बतला रहा। ठीक कह रहा हूँ भैया, तू बस तू ही सोचे मेरे हित की। चाची खालिद तो मैं ये चाहता तुम्हारा घर आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तुम्हारा आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। ठीक है बेटा खालिद, अब तू ही बता कहाँ करूँ। चाची दे डालो तलाक। ठीक है तो बेटा बुला ले वकील। चाची एक बार और सोच लो अभी। बहुत नामाकुल, तू मुझे एक बात बतला जरा, इस घर में सोचने का काम चाची का ही है, चाचा ना सोचे एक दफा भी है? सिकल को बजा रहा ना बैठ के, मेरे संग चुपचाप चला चल वकील के लियो। चाची 200 रुपए तो तुम वकील को देने पड़ेंगे ना। ले भैया ले जा। घबराइए मत चाची जरा भी, तुम्हारे संग में खाली इतनी जीव चलाता तू जिसका कोई ठिकाना ना। वकील लेखा मुझे वकील चाहिए। पलक जी मैं नू पूछ रहा हूँ, तुम्हारी सबसे फेवरेट दोस्त कौन है? मेरी फेवरेट दोस्त मेरी दादी है। अच्छा तुम्हारा कौन है फेवरेट दोस्त? मेरा फेवरेट दोस्त मेरे बाबा। तुम्हें पता मेरे बाबा मेरी सबसे ज्यादा चिंता करें, और काई पर कुछ भी फर्क ना पड़ता तो, मेरे ब्याह लेकर मेरे बाबा बहुत टेंशन में रहे। वे चाहवे मेरे ब्याह जल्दी जल्दी हो जा, नहीं तो गांव मोहल्ले वाले तो चुगली लगावे हो नहीं ना दे रहे, उन्हें फर्क ना पड़ता ना किसी भी कुछ। पर मेरे बाबा तो इतने अच्छे हैं, सोते जागते उठते बैठते बस मेरे ब्याह की चिंता करते रहे, कद मेरा ब्याह हो जा। यार मेरे घर के भी ना यही हाल है, बस मेरी दादी है मेरी चिंता रहे मेरे ब्याह की, वरना सब। क्यों ना तुम्हारी दादी मेरे बाबा से बात कर ले। एक गर्ल होगा। अबे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो हमारा घर विश्वविद्यालय है जहाँ मैं तेना एडमिशन ले लियो, जो आज का सो डिग्री ना रहो, अपनी कॉपी किताब ले रहा अपने घर को जा। बाबा जी अगर मैं घर चला जाऊंगा तो थारी कमर में जो दर्द रहे वे, यू कैसे अपने घर को जाएगा? यहाँ बैठो तुम एक बार। बस बाबा रुक जाओ, कमर आगे रखो। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम बग्गो। लाली तो घर को जा और अपनी माँ जी से कह दीजो यहाँ की बात शाम की रोटी बना लेगी, यूँ यहीं रुकेगा सांझ को आज। ठीक है बाबा जी। अरे लाली रुको एक मिनट रुक। ना बाबा मैंने ना बोला कुछ भी। हाँ बाहर को आदमी ऐसा जिक्र मत करियो,
ठीक है बाबा जी। जय पलक जी, माँ जी से करियो वा मामले में बात। अवे कौन सी बात बोलवा आया माँ जी से? ओ बाबा जी, मैं पता लग गई कि माँ जी तुम्हारी इज्जत न करती, तो मैंने पलक जी से नू कही कि माँ जी यही समझा दीजो, पति जो हो वह ना वो परमेश्वर हो वह, बाकी इज्जत करनी चाहिए, बाकी सेवा करनी चाहिए। अरे भैया तू तो बहुत समझदार निकलो, मेरी आप सौमी को हला आज तक का इन्होंने निकालो, सौम जी को तेरी सब्जी में नूड़ी घी गिरवाऊंगा। बाबा जी मेरी समझ में एक बात ना आई, मतलब यहाँ जब तुम रह रहे ही थार घर ना, जब देखो पलक जी इंगे चली जा पता ना कहाँ को। मामा यू तो माओ खड़ा कर भैया, घर तो गम में भीतर। अच्छा तुम्हारा भी सिस्टम हमारे यहाँ की तरह, हमारा भी ऐसी है बाबा जी, खड़क कहीं और है घर कहीं और है। अच्छा बताइए आंटी, आप सच में तलाक लेना चाहती हैं या फिर कुछ गुंजाइश है? कहाँ बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रही, वैसे अभी पक्को सो तलाक। वकील मुझे लग रहा तू भी फर्जी डिग्रियों के लिए बैठा दिख है यहाँ पे, अपने क्लाइंट को पहले ही डरा रहा, कहाँ से करी तूने वकालत की पढ़ाई? कौन कह रहा मैंने वकालत की पढ़ाई करी है? वकील की पढ़ाई ना करी, पढ़ाई ना करी तो तू बिना पढ़े लिखे वकील बना बैठा ना। मैं भाई साहब ऐसा वकील ना हूँ जो कोर्ट कचहरी जाता। वैसा वकील ना तो भैया तू कैसा वकील है? भैया मेरा नाम है मोहम्मद वकील, पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ मैं। आदमी किसको कही मैंने तुझे किसे लेकर आना था तलाक करवाने के लिए ना पे? तैनात के वकील ले आया, मैं आज जाना आया, या कि नाम वकील है या मैं लिया मैं आ। नहीं बैठे रही हो दोनों तुम्हें ना, मैं तुम आज एडवोकेट की डिग्री दूंगा, बैठा रह जरा। नहीं तूने बहुत जीवन दुखी करा मेरा। चाची तुम घबराई मत ना है ना, मैं जा रहा हूँ अब, मैं ले खाऊंगा असली वाला वकील। ठीक है भैया। आदाब चाची है, आदमी जाहिल तूने भी जो मट्टी खराब करवा रखी है मेरी। अरे रुखसाना बैठ बीबी बैठ। ए चाची तुम इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कैसे चक्कर में आ रही हो इस नाटक बाज के, तुम्हें पता ना कितना हराम ये। अरे रुखसाना यू नाटक बाज ना, नाटक बाज तो मेरा बुड्ढा है, तो पता ना है मोधो को देखे वह रघुवीरी के पीहर गया हुआ लेने, और मोसू कह के गया हूँ मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, देखियो मैं यहाँ तलाक तो जरूर दूंगी अब। चाची देखो मैं तो तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी, किसी के कहने में आके फैसले ना लेने चाहिए, फैसले लेने चाहिए अपने दिमाग से। मोहल्ले की जनानी आके मुझे भी ऐसी भड़काती है कि छोड़ दे खालिद को, तुझसे बिल्कुल प्यार ना करता, पर चाची मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं अपने दिमाग से फैसला लूं, मैं ना सुनती किसी की भी। तो रुखसाना तू ही बता अब मैं कहां करूं? चाची तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से ना मानते, अगर चाचा तुम्हारी बात को ना मानने तो बाकी तो देखो चाची तुम खुद ही समझदार हो, मेरे कहने की तो जरूरत ही ना। ठीक है बीबी समझ गई मैं।
ए बाबा गए क्यों नहीं हो? अरे हम तो यार गलत समझ रहे, बहुत बढ़िया लौंडा लामा, मेरी कमर को दर्द ठीक कर दियो। कोई बात ना, सुबह लो चलो जाएगा। हे बाबा, यहाँ के चक्कर में बुढ़े सौंझ की खुराक न दी, यू टल जाते तो कम से कम हाथ तो सीधे से हो जाते। अरे कर लंबा सोमलाल आ जा रहा हूँ, आज की खुराक भी वहाँ कल दे देंगे। हाँ बाबा, ये बात भी ठीक है। अब चलो तुम भी लौटो और मुँह भी आराम कर दो। ठीक है बाबा। यार अमन, ये लौंडिया भी पटा ली, पर बाबा की जांच नहीं पड़ पा रही, बाबा है कहाँ? वैसे बाबा ज्यादातर कह रहे हैं किसी भी सवाल अगर ध्यान से सुनो ना तो वही सवाल में वहां को जवाब जरूर मिल जावे। अमन ध्यान कर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बाबा मोह लगे को भै रुपया या भूस के कोठे में गेरो। बाबा मोह लगे को भै रुपया या भूस के कोठे में गेरो। या को मतलब बाबा भूस के कोठे में? यार उनका तो अंधेरा बहुत हो रहा, अब कुछ भी ये ढूंढने तो पड़ेंगे। बुढ़े पे देखो टॉर्च हो तो। कहाँ जा भैया? मेरे बच्चे आएंगे, कलाकंद खाएंगे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हराम ज्यादा मैं तो नाचूंगी। अरे आप मीन ना चलने की आदत है भैया। अरे भैया बुद्धन, जब यू मीन ना चल के नाच सके तो भैया यू आता भाई भी कर सके। यहाँ से उम्र ठीक नहीं है, भीतर चल कर लौट भैया, भीतर चल कर लौट। अरे अब बढ़िया होगा कौम, अब बिल्कुल रास्ता साफ है, बुड्ढा भी गया यू। अब भूस के कोठे में जाकर अपने बाबा ढूंढता हूँ और लेकर भाग जाऊंगा रातों रात। अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है, तो बिजली भाग गई, अंधेरे में ढूंढने पड़ेंगे बाबा। चल कोई दिक्कत ना, देखता हूँ। बहुत मारो, बोले चले हाथ बाबा। रोल मत मचाओ,
पुट्ठा ऊपर को गया सोने को, चुप देर से लेकर आगे चलो। चल चल, बहुत जल्दी चल रहे, बहुत खतरनाक है। अरे खतरनाक होंगे, सामने पड़ गए ना फाड़ दूंगा अभिनंदन में, मेरा पोता गैल है मेरी। बाबा पहले घर पहुंचो, जब करिए ऐसी मेरी तारीफ। चल आजा, अरे रघुबीरी और छुड़ानी है तो। चुप बाबा, घर को चलो, बुढ़िया के चक्कर में फंसे हो तुम, यहाँ मत फंसवा दिए। बाबा भी तो सही में नींद में चले। नौ करो ऐसे नाटक, पकड़ लिया तो। सोमलाल पूता जागो है, जागो, पर अपनी गल अपने पोते भी लेकर जागो। ओ कुत्ते, होश में बोल ले तन, होश में। ये सोमलाल तेरे सामने कभी कोई उल्लू चुल्लू समझ रहा हूँ मैं, जब तक बात मुँह पे ही ना बर्दाश्त कर रहे हो, अब मेरे पोते पे बात आ गई ना तो बेटा लहसन के ढेर लगा दूंगा, भगा भगा के मारूंगा। बाबा एक बार इजाजत दे दो, या बुड्ढे खोल कर यही घेर के मारूंगा। खोल बेटा खोल, दम है तो खोल के दिखा तू, असल बाप को ना तो खोल ही दे आज, तीनों बाबा पोते ने जो ने गैल मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। खोल कुत्ते खोल। ए बाबा सनी देवल बनने की टाल करो, मेरा राग बिगड़वाओगे तुम। तेरो कहा राग बिगड़वा रहा हूँ? बाबा इनकी पोती से मेरे भी हसादिक बात हो गई है, वाह भी मैं पसंद हूँ और मुँह भी बहुत पसंद है। वाह कहा कह रहा हूँ मैं पोती को? मैं कह रहा हूँ तमाम सबूत और गवाह ने मद्देनजर रखते हुए ना तुम्हारी पोती कर मेरे ब्याह की बात हो गई है। वाह कौन से सबूत, कौन से गवाह जिनके सामने ब्याह की बात हुई है? ए बाबा जी, ये जो हवा चल रही है ये गवाह है, ये पेड़ पौधा गवाह है, ये भैंस कटला ये गवाह है, ये बुग्गी गवाह है, गवाही गवाह सब। अरे ये गवाह कहा तो बिचौलियार। हाँ बिचौलिया ही हो गए सब लिख सब ले। शिवा बेटा बंडा ला, अब पानी सड़ से ऊपर उतरता जा रहा। ए बाबा ये तो बुड्ढा डंडा मंगा रहा हूँ, वो लगे पेल तो दिख है। बेटा जब ओखली में मुँह दे दियो तो मुँह सड़ से कहा डर दो, जब धोरे आले में तो औखत में मीच ली, जब कहा करे। और क्यों मीचेंगे बाबा, रस्सी ने तोड़ के पेलंगे ना उल्टे। फिल्म चल रही है यू कोई, हाथ छुल जाएंगे, पागल मत ना पड़े। ओ बुद्धन, ओ बुढ़े यो मत भूले कि यू घर खरक जमीन जायदाद मेरे नाम है, मैं या घर की मालकिन हूँ, तो या घर में कानून भी मेरा ही चलेगा। चला ले अपने कानून, कौन मना कर रहा, पता नहीं होगी पता ही लौंडा कहा कहा कह रहा। उरा मो सब पता, यू कहा कह रहा, यू जो भी कह रहा सही कह रहा। सही कहा कह रहा हो यू हमारी पलक से ब्याह करने कह रहा। ओ बुढ़े यू लौंडा अकेलो ना कह रहा ब्याह करने के, हमारी पलक भी यासु ब्याह करने कह रही है। माँ हम यहाँ ब्याह यासु होना देंगे। उरा हराम जादे थोड़ो बोल ले, यू चाहतो लौंडा तो या भका के भी ले जा सके हो, पर या ने ऐसा नो करो। फूलपति पर यू सब करना गलत है। उरा तू ज्यादा होशियार मत बने, हमारे गोत नोत ना मिल रहे हो जावे को भया। मैं तो कते तैयार ना हूँ, बंदरी अबू अकल बंदनी, पहले यार लौंडिया की मम्मी सुबह पूछ ले, जो खड़ी है चुपचाप। जब दादी पोती राजी तो क्या करेंगे मैं और पिताजी? सुन रही बुड्ढे, अब खोल देने चुपचाप, अपराधिन की तरह बिठा रखे हैं ये। वाह खोल देने, खोल दे। पड़ गया बाबा मेरा हाथ तो।
माँ जी पाम छुई छुआ बेटा। माम आपको भी पाम छुई छुआ बेटा। समधन जी इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बताओ श्यामलाल जी। तुम्हारी जो ननंद है ना रघुबीरी, वो बुढ़े ने बोंद के गिर राखी है, तन वहां भी छुड़वा दो। बुढ़े तेना जी जी रघुबीरी भी बांध के गिर राखी है, उन्हें खुलवा दे जल्दी। दादा जा थोड़ बाबा अभी छोड़ो। जी माम जी, जैसे कि जी हमें जी दहेज में कुछ भी ना चाहिए जी, तो कोई तुम पलक जी हमारी गैल भेज दोगी? अरे बेटा ऐसा ना होती, पहले चिट्ठी जाएगी, फिर लगन जाएगी, फिर बरात आएगी, फिर पलक बेटा तुम्हारे साथ जाएगी। उरा बेटा ऐसा ना हो तो ब्याह शादी में बहुत चीज देखनी पड़े, अब जितना हम पर बनेगा हम देंगे भी। माँ जी ना दहेज का ना हमें हम ना ले कुछ भी, हम तो बस एक जोड़ी लतान में ले जाएंगे। और ढोर बड़े बूढ़े इनके बीच में थोड़े बोले करे, जा चीजें वे कह रही है समझ में बात है, अपनी अपनी धौं धौं न करे करते हैं। मारक बीरी जी पाम छुई छुआ छुई छुआ बेटा छुई छुआ। भाभी देख लो भैया ने मुझे कई दिन से कमरे बंद कर रखा था। अरे दीदी मो माफ कर दो, मो पता नहीं। समधन जी यो जल्लादी आज हंच के मार देगा, तुम एक काम करो या हमारी गैल भेज दो, हम यहाँ आके घर छोड़ देंगे बिचारी है। वो यू 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 कैसे चली जाएगी? बुड्ढे तो पर चुप ना रहो जा। जी जी रघुबीरी तुम बताओ कि तुम रुकोगी कि ससुराल को जाओगी? ना ना भाभी मैं ना रुकूं, मैं ससुराल जाऊंगी। ठीक है जी जी चली जाओ। बहू जी जी रघुबीरी का एक सूट ज्यादा और 100 रुपया ज्यादा। ठीक है मम्मी जी। समधन जी भेंट पूजा का तो हमारा भी हक बने। उरा बहुत 100-100 रुपया इन दोनों क्या भी दे दा। ठीक है मम्मी जी। राम राम जी। आशीर्वाद तो ले समधन का। माँ जी पाम छुई छुआ जी तोरा। मम्मी जी पाम छुई छुआ जी तोरा बेटा। ये तो गौम को हमारी गैली चल रही है, इनके तो छुई छुआ कहा करना। माँ जी मैं जी नो कह रहा हूँ जी, जैसे हमारा गौम बहुत दूर पड़ जा तो पैदल ही आ, मैं तो थक गया। अब जैसे कोई सवारी अगर तुम पकड़ा देती तो हम बाद में भिजवा देंगे वहाँ वापस, पैदल ना जाना पड़ेगा। माँ जी भी जो चलने की सी हालत में ना लग रही, इन्हें बोंद राखी ना तो बेचारी वैसी होगी अकड़सी गई है। बेटा पलक मेरी स्कूटी की चाबी दे दीजो ना। स्कूटी माँ जी स्कूटी भी चला मैं और का नहीं मान रो या हिसाब से तो बढ़िया गाड़ी देगी जैसे स्कूटी। चलो आइए रघुबीर जी आप तो साथ में ही चल रही हो, चलो वहीं से तो विदा करेंगे घर से ही। फोन वन करती रही हूँ। नंगे पाँव और जाना पड़ रहा पता ना, चप्पल कहाँ गिरी है बजाते में। समधन का नंबर ले लीजिए। और काहे को बाबा? अरे ब्याह ब्याह की बात ना करेंगे, मुहूर्त पूरत लिखवा लगे। अरे खड़ूस का मत लीजो, कदिया खड़ूस का ले ले। कब आएगा मेरे सामू, कब आएगा मेरे सामू, तेरी लुड्डो रखता देखे। कब आएगा मेरे सामू, कब आएगा मेरे सामू। आदमी कितना रह रहा अभी तेरा खेत भरने के लिए? ए खाली 1.5 क्यार ही रह रहा बस। बे यार जरा देर और आ जाती बिजली तो भर ही जाता बतला है। अरे हम भी दुखी हैं यार, आ जाती तो सारा भर जाता। बे आदमी मुझे लग रहा चाचा श्यामलाल को तो बंदी बना लिया रघुबीरी के पियरिया ने, उम्र कैद हो गई।
और पोता और फंसवा दिया अपना। पर जाहिल तेरी गलती रही, अगर तो उस दिन वकील सही लिया था ना तो तलाक होता, कतई ना रुक रहा तलाक। पर अब पता ना चाची के किसने कान भरे, अब तो भाई सिरे से निकाल रही है। भैया ना करना बतलाओ, पहले कह दिया अब जो मान ना रही है। 200 रुपये लौटाऊ ना हूं मैं भी, कह दूंगा मैंने दे दिए वकील को, और तू मेरा संग दियो कभी जो सच बतला दे ना। नाना खालिद मैं तेरी गैल रहूंगा। दूर राखिए यहाँ तक दिया ही टक्कर मारे वो फोड़ देगा ही। पूरा खालिद देखे हो कोई चाचा लग रहे हैं भाई, तो चाचा सामला लिया, चाचा सामला लिया। अरे ये तो सकूटी और लाया, किसकी लाया पता ना। तो खालिद बैठा दिखे, रोकिए तो नहीं हंस कर रोकिए। देख ले लिया है, सही सलामत रख बीरी है। वो तो चाचा हमें पता ही, यही बैठे तो बतला रहे मेरा आदमी कि चाचा श्यामलाल की उम्र भले ही हो गई है, जज्बा आज भी वही है 20 साल का लौंडे वाला। ताकत चाचा के अंदर वही है, सबको उधेड़ देगा वह, चाची को बचा के लाएगा। देखा मानता आदमी मेरी बात ना मानता, तू देख ले चाचा लिया है ना। उनको समर सेविल उनकी नल सब उपाड़े मैंने। बाबा मोकूब तो कह दो मैंने खूटा उटा उपाड़े, तन मेरा भी नाम हो जाए गम में। हरियाणा जो है ना उनके सारे ढोरन के खूटा पाड़ दिए। मैं देख ले चाचा ने उपाड़ डाली समर सेविल और नले। मैं पोते में भी जज्बा उपाड़ दिया होंगे खूटे इसने। अब चल लो, भूख लग रही है, रोटी खा के जब बतलाऊंगा तोते तसल्ली में। चल भाई चल। हाँ हुई आओ चाचा हुई आओ, ना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, हुई आओ। बाबा ऑन करनी भूल गया मैं। चलो बाबा चल, ठीक है आ रहा हूँ अभी। मैं जाहिल देख ले, पर परेशान मत हो तू, अभी तो चाचा ने पहला ही पड़ाव पार करा, दूसरा पड़ाव तो तैयार है। चाची का ऐसे ही छोड़ रही है, चाची इसको सही अकल सिखला दिएगी आज। चाची पढ़वाएगी ना कि समर सेविलर नलों को कैसे पढ़ती हैं। अब ना सही कर ले पिट छुट के चाचा, ना ही कुहाएगा। आ जा मुझे तो हो रही है ठीक है। हाँ बाबा अब कटर लगाएंगे खेत में। हाँ अभी तो कसर है वैसे, पर ठीक हो रही है। रघबीरी घर को लेकर चलोगे ना? ओ पावड़ा तू यही उतार। रघबीरी अब तू जा अपने घर को, हम भी चलें। ठीक है श्यामू जी। बाबा जी कमरे में खड़ी कर लूंगा अपने में, या उस माँ जी की स्कूटी है। बावड़ा था ना भाई, खड़ी करते तेरी दादी है घर, पूछे कि 70 सवाल ने किसकी है, क्यों है, कैसे जोड़े ना बा। तो बाद में तुम समझा ली जो माजी ने ना। हाँ मैं बैग ले निकालिया मैं सु। अब दोनों दिखे प्रसाद दिवा दे, हाँ तो पिटके आए ही और पिटवा दे फिर। निकाल ले अपने भी। बाबा यहाँ में तो बहुत बड़ी संदूक है, यहाँ सामान धर जाए ना। अब बाबा जी मोबाइल दिवा दीजिए एक ऐसी। लगाया ले लीजिए। जब ब्याह शादी रहेगी जब ही कह देंगे दहेज में है ना। क्यों लुड्डो बासन मांज रही है। आ गए जी तुम? हाँ आ तो गए, पर भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दे। मैंने तुम्हारे लिए परांठे बनाए पनीर के, तुम इंगलने वाले कमरे में जाके बैठो, मैं आऊँ परांठे लेके। वाओ आते हैं पनीर के परांठे मिलके, देख ला।
बाबा लाल चटनी बनाई होगी माँ जी ने है ना, छाए ठंडी होवे ना मजा आ जाए। थक गए मेरे यार। मेरे घर घर के बहुत से आदमी ना।